तो YouTube पर वीडियो वायरल करने के लिए सारा जो खेल होता है ना दोस्तों, कंटेंट तो बाद में आता है, सबसे पहले जो पूरा खेल होता है वो खेल होता है थंबनेल और टाइटल का। दोस्तों अगर आपके वीडियो का थंबनेल बिल्कुल बेकार से रहेगा तो आपके वीडियो पे कोई क्लिक नहीं करेगा, उसके बाद दोस्तों टाइटल अगर आपका बेकार से रहेगा तो दोस्तों वो चीज़ पे आपको कोई क्लिक ही नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि आपने तो कहावत सुना होगा ना कि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है, दोस्तों यही चल रहा है आजकल। आजकल के ज़माने में दोस्तों जो चीज़ आप दिखा पाओगे ना वही चीज़ आप उसको जो है वो वायरल कर पाओगे, बेच पाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको YouTube वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, टाइटल। यानी कि अगर आप अपने वीडियो का टाइटल बिल्कुल सही से लिखते हैं तो आपका वीडियो वायरल जाता है, अगर आप टाइटल गलत लिखते तो वायरल नहीं जाता। और उसमें भी अगर टाइटल में आप क्लिकबेट करते हैं तो दोस्तों आपका वीडियो वायरल जाता है। मैं ऐसा सिर्फ बोल करके नहीं दोस्तों, मैंने किया है, तब मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले आप साइड में देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि 823 के आसपास मेरा सब्सक्राइबर है। अभी देखिए इसमें मैंने दोस्तों बहुत सारा वीडियो डाला, बहुत सारा वीडियो डालने के बाद दोस्तों हमारा बहुत सारा वीडियो चला भी, ठीक ना। तो अभी चलिए मैं शॉर्ट पे जाकर के यहाँ पे मोस्ट व्यू पे दिखाता हूँ कि पूरा जो खेल होता है वो टाइटल का होता है, कैसे होता है बिल्कुल समझिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था दोस्तों, 1.6 लाख व्यूज चला गया और अभी भी वीडियो पे व्यूज जा ही रहा है, ठीक ना। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कि 1.6 लाख। तो आखिर ये जो टाइटल है वो YouTube पर जो है वो ट्रेंड कर रहा है, रैंक कर रहा है, तभी जाकर के क्या हो रहा है कि टाइटल के हिसाब से हमारा जो है मतलब वीडियो चल रहा है। देख सकते हैं कि उसके कंटेंट सजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Vivo T2X 5G सारा चीज़ उसी के बारे में बता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं लोगों का कमेंट पढ़ाऊँ तो देखते थे कि थंबनेल के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, और यहाँ लोग का कमेंट रहता है कि भाई थंबनेल आपका ऐसा था जिसके वजह से मुझे वीडियो देखना पड़ गया और टाइटल। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्लिक बेट किया, बिल्कुल समझिएगा दोस्तों, मैंने इसमें क्या क्लिक बेट किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मैं गलत काम करता तो YouTube से मुझे स्ट्राइक आ जाता, क्योंकि YouTube पर कुछ इलीगल काम नहीं चलता है। मैंने गलत नहीं किया, मैंने थोड़ा सा क्लिक बेट किया। क्या क्लिक बेट किया मैंने, क्या किया मैंने, लिखा Vivo T2X 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद हो गया जिसमें 1.6 लाख व्यूज आया। मैंने क्या काम किया सुनिए, मैंने इसमें लिखा कि 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने 4G फोन नए नए खरीदा था, बाद में 5G आ गया तो मुझे 5G भी खरीदना पड़ा, तो इस तरीके से पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन देखने वालों को क्या लग रहा है कि अगर मैं T2X फोन को खरीदूंगा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो जो जो लोग T2X खरीदना चाह रहे होंगे दोस्तों, वो T2X के लिए सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो में तो भले ही मैंने तारीफ कर दिया, लेकिन पहले क्या चला, पहले हमारा टाइटल चला 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद, Vivo T2X 5G अनबॉक्सिंग मिटर। तो इस तरीके से मैंने किया। तो दोस्तों ये जो टाइटल है मेन, सारा टाइटल और थंबनेल का खेल है। तो अगर टाइटल और थंबनेल को आप मिला के मैच करके लिखते हैं तो आपका भी वीडियो चलता है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको टाइटल लिखना है अपने वीडियो के लिए कि कौन सा ट्रेंडिंग टाइटल है, कौन सा वायरल जाएगा, तो सबसे पहले आपका जो मन करे वो टाइटल आप लिख दीजिए। वो टाइटल लिखने के बाद वीडियो को पब्लिश करिए। पब्लिश करने के बाद दोस्तों एक या दो दिन बाद अपने वीडियो को ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एनालिटिक पे क्लिक करिए, ठीक ना। एनालिटिक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट टाइटल कौन सा एडिट करना है। तो उसी वीडियो का टाइटल आपको एडिट करना है। कैसे एडिट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों रीच पे जाएंगे। रीच पे जाने के बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद दोस्तों कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, यानी कि आपने जो वीडियो बनाया है उससे कंटेंट सजेस्ट कर रहा है अनदर वीडियो का, तो सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा वीडियो यहाँ पर से मतलब खुल के आ गया, ठीक ना। देखिए अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चैनल का वीडियो आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं कि बहुत सारे चैनल का वीडियो आपको यहाँ पे दिख गया। तो बेसिकली दोस्तों आपको करना क्या है, इन सब जो वीडियो दिख रहा है इन सब वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल आपको देखना है कि भाई कैसा टाइटल। देख सकते हैं कि Vivo T2X 5G after 48 hours। तो दो दिन बाद वीडियो अपलोड करने के ये जो टाइटल आपको दिख रहा है ना, इस टाइटल को दोस्तों आपको कॉपी करना है। देखिए कितना सारा यहाँ पे जो कंटेंट है वो सजेस्ट किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले साइड में देखिए, देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल होकर दिखाता हूँ। साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये जो कंटेंट है वो सजेस्ट किया जा रहा है। देखिए कितना सारा थंबनेल, हर अलग अलग यूट्यूब चैनल का थंबनेल ये किया जा रहा है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपका भी वीडियो इस तरीके से वायरल होगा तो आपको कितना मजा आएगा, देखिए कितना ज़्यादा वीडियो आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपको वीडियो अपलोड कर देना, पब्लिश करना है। पब्लिश करने के दो दिन बाद आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद चेक करना है कि भाई आपके कंटेंट के नीचे कौन सा सजेस्ट कर रहा है। जो सबसे ऊपर में फर्स्ट तीन रहेगा उस तीनों यूट्यूब वीडियो का क्या करना है कि आपको
टाइटल कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा लेना है और उसका टाइटल पे अपने टाइटल पे लगा देना, अपना टाइटल एडिट करके, ठीक है। उसके बाद टैग वगैरह डालिए दोस्तों और थंबनेल इसके हिसाब से बना लीजिए, देखिए आपका वीडियो वायरल होता है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप टाइटल अपने वीडियो पे चुनते हैं, टाइटल रखते हैं दोस्तों, तभी जाकर के आपके वीडियो पे व्यूज आता है और आपका वीडियो वायरल होता है, ठीक ना। तो समझ बूझ के अगर आप काम करते हैं यूट्यूब पर तो दोस्तों आपको सक्सेस मिलता है, अदरवाइज ऐसे ही मेहनत करते जाते हैं तो कोई भी उसका मतलब नहीं बनता, ठीक ना दोस्तों। तो जाइए सबसे पहले आप अपने वीडियो को अपलोड करिए, दो दिन छोड़िए, उसके बाद व्हाइट लिस्ट वीडियो खोल के एनालाइज करिए, एनालाइज में रीच पर जाइए, देखिए कि कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, आपके वीडियो के नीचे कौन कौन सा कंटेंट सजेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, उसका वीडियो पे देखिए कि कितना ज़्यादा व्यूज है। उसके बाद आप उसके वीडियो का टाइटल हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह उस तरीके से कॉपी करके अपने वीडियो पे लगाइए दोस्तों, 100% अगर उसके चैनल पे 1,00,000 व्यूज आ रहा है तो आपके चैनल पे दोस्तों कम से कम 5,000 तो जाएगा ही, इतना तो जाएगा दोस्तों, ये गारंटी, क्योंकि उसके वीडियो के नीचे भी आपके कंटेंट को सजेस्ट कराया जाएगा। अगर आपके वीडियो के नीचे उसके कंटेंट को सजेस्ट कराया जा रहा है ना, तो उसके कंटेंट के नीचे भी आपके वीडियो को सजेस्ट कराया जाएगा, यदि आप सेम टाइटल पे वीडियो बना देते हैं, ठीक है। और वीडियो का लेंथ वगैरह दोस्तों भी आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भाई आपकी वीडियो का लेंथ उस कैटेगरी पे डाला जाता है जिस कैटेगरी पे क्या होता है कि कम लेंथ का वीडियो चलता है। तो बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लेंथ का वीडियो बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका वीडियो एक अलग लेवल पर चलता है, आपका वीडियो एक अलग लेवल पर चलता है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स को ये पता रहता है कि छोटा यूट्यूबर उतना देर बता ही नहीं पाएगा, इस वजह से उसका कोई कंपटीशन ही नहीं करेगा, इसलिए वो ज़्यादा लेंथ का वीडियो बनाते हैं और आप कम लेंथ का वीडियो बनाते हैं। तो मैं भी उतना नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी कोई वाईफाई वगैरह नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो को उतना आसानी से पब्लिश कर पाऊँ। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको सक्सेस देखने के लिए जरूर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक के साथ करते जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता है। तो चलिए फिलहाल तो मैं यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।